करियर बाबा बाबा हूं प्यास नाल बाबा प्यास नाल सा खुश को रहे बाबा भुख नाल कलेजा बाहर आ रहे बाबा भुख लगी है बाबा प्यास लगी है मेरे मुस्तफा करीम दे गुलाम मेरे आका अपनी बेटी दा बाजू पकड़ के अभी तालिब दी गाटी मेरे दो तो शबे शबे अभी तालिब दी गाटी दे चक्कर लगान दे ते मेरे आका नार मेरे दो तो फिर दे जान दे दरख्तां दे पत्ते चुक दे ने अपनिया बेटियां नू दे दे ने आसमान दे फरिश्तियां दियां भी चीखा निकल जांदियां ने आसमान दे फरिश्ते भी रोक कहंदे मौला हजरत मूसा कलीम दी उम्मत या अल्लाह उन्हां नू भुख लगे मन सलवा उतार देना है हजरत ईसा अलैहि सलाम दी उम्मत खाना मंगे ते मायदा आसमानी उतर जांदा है मौला तेरा हबीबे तेरे नबी दी उम्मत तेरे हबीब दी आल सारिया नबियां दी आला तो अफजल है या अल्लाह इन्ना वास्ते खाने क्यों नहीं उतारदा मौला इन्ना वास्ते खाने क्यों नहीं उतारदा रब्बे जलाल फरिश्तियां नु कहंदा है फरिश्तियो जाके पूछ लो मेरे नबी को लो जिस तरह कहेगा मैं उंज कर लवांगा फरिश्ते आके मेरे आका दी बार का अर्ज करदे ने सोणिया अगर हुक्म देवो इन्ना जालिम जालिमां नु निस्तो नाबूद कर दईए इन्हां नु निस्तो नाबूद कर दईए मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया फरिश्तियो जाओ चले जाओ मेरे रब ने मैनू कायनात वास्ते रहमत बना के भेजिया है नेक जड़िया बीबिया ने जड़िया नेक औरतां ने उन्हां दा सेवा ए वे के ओ अपने खावन दी गैर हाजरी ते अपने अपनी इज्जत ते खावन दी माल दी हिफाजत करदियां ये उन्हां दी निशानी ए वे के ओ शिकवा नहीं करदियां ओ लोकां दे अग्गे मालकां दे गिले नहीं करदियां ओ छुट्टियां छुट्टियां गल्लां ससुराल जा के दस के ते अपने घर खराब नहीं करदियां बल्कि उन्हां दी निशानी ए वे के वो अपनी इज्जत दियां भी निगहबान हुंदियां ने ते अपने खावन दी इज्जत दियां भी निगहबान हुंदियां ने बल्कि हकीकत ए ही है ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੇਕ ਖਸਲਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਹੱਲੋਂ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਕਾਮ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਕਾਮ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ عطا ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ अगर बेटी दी सूरत से आए ते ए बाप वास्ते रहमत है फरमाया अगर ए औरत बीबी दी सूरत विच आए ते अद्दा ईमान है और अगर मां दी शक्ल विच आए ते एदे कदमां थले जन्नत रखी खुश नसीब अल्लाह तीन धियां दवे जेड़े मेरे खुश नसीब उम्मती अल्लाह तीन धियां दवे परवरिश करे इस्लाम के मुताबिक तरबियत करके उन्हां दी शादी कर जाए फरमाया जिस तरह ए दो उंगलियां जुड़ियां ने ना फरमाया कल कयामत वाले दिन इस तरह दो उंगलियां जुड़ियां ने इस तरह मोहब्बत दे नाल होगा फिर ए हदीस दो बेटियां दे बारे भी आई और फिर मेरे आका ने एक बेटी दे बारे भी बिशारत दित्ती कि जिदी एक ही बेटी होवे उस बेटी दी तरबियत करे ओदी परवरिश करे इस्लाम के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक ओदी परवरिश करके फरमाया अपनी बेटी दी शादी कर दे फरमाया कल मोहम्मद जन्नत के अंदर ओनू अपना साथ अता फरमाए
इस वास्ते मुसलमानों मेरे करीब नबी दी बारगाह दे अंदर किसे से आप ही ना कर के तिया का अगर किसी दी भैणा ना हो अगर किसी दी बेटी ना होवे ते भैणा ही हो अगर भैणा ही हो बेटी नहीं बहना ने और अगर ओना दी तरबियत करदा है ओना दी परवरिश करदा तो ओदे बारे की हुक्म है सरकार ने फरमाया जेड़ा बहना दी तरबियत करदा है और ओना दी शादियां करदा है ओना नु अपने घरां ते पहुंचांदा है फरमाया अल्लाह ताला दे हबीब ने इरशाद फरमाया ओदे वास्ते भी अल्लाह ने ऐ बिशारत अता फरमाई ओ भी कल जन्नत च मेरे नाल हो मेरे नाल होवेगा मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया फरमाया जदों बेटी पैदा हुंदी जदों बेटी पैदा हुंदी है सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाया जिस घर दे अंदर बेटी पैदा होवे बेटी जिस घर दे अंदर पैदा हुंदी है फरमाया रब्बे जुल जलाल एक अपना खास फरिश्ता जमुर्द दा फरमाया जिस वक्त बेटी पैदा हुंदी है अल्लाह ताला नूरानी फरिश्ता उस घर अंदर दाखिल फरमांदा है मैं शर्ते वे उस बेटी दा बाप ते ओदी मां अपनी बेटी दी विलादत ते खुश होवन अपनी बेटी दी विलादत ते खुशी करन ओ लोगो बेटे पैदा होवन लोग मिठाइयां बंडदे ने लोग खुशियां करदे ने बकरे जिबा करदे ने लोग जनाब रिश्तेदारां नूं बुलांदे ने लेकिन अफसोस ना कहदा पैंदा जदों बेटी पैदा होवे ते लोग जनाब खुशी नहीं करदे मेरे दोस्तो इस्लाम ने बेटी नूं की ता की मकाम ता फरमाया की मर्तबा ता फरमाया ए बशारत बेटे वास्ते नहीं आई ए बशारत बेटी वास्ते आई है मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया जदो बेटी घर अंदर पैदा होंदी है अख खोल दी है रब दी रहमत दा फरिश्ता आ जांदा फरमाया उस बीबी नू जेड़ी उस बेटी दी मां होंदी है ओ फरिश्ता के कहंदा खुदा दी बंदी तू कमजोर ओरे जड़ी बेटी तेरे कोल आई है ए भी कमजोर है तेरा रब ऐलान प्या कर दे जड़ा तेरे नाल प्यार करेगा तेरे नाल मोहब्बत करेगा तेरे नाल प्यार करेगा अल्लाह ताला ओनु अपनी रहमत अता फरमाएगा अल्लाह नु अपनी रहमत अता फरमाएगा अल्लाह दी अल्लाह नु अपनी रहमत दा साया अता फरमाएगा अल्लाह अकबर कबीरा इस वास्ते मेरे दोस्त मेरे करीम नबी नु रब्बे जुल जलाल ने चार बेटियां अता फरमाया पुत्र भी रब ने दिते लेकिन कम सिनी दी उम्र दे अंदर अल्लाह ने पुत्र लिले लेकिन चार बेटियां मेरे नबी नु दितियां और मेरे करीम नबी ने बेटियां नाल इंज दी मोहब्बत कीती कि कयामत दी सवेर तक ओ उम्मत वास्ते सबक बन गई उम्मत वास्ते सबक बन गई और जिस दौर दे अंदर जदों बेटी पैदा हुंदी सी ते जेड़ी नुकरानी बाप नु जाके पैगाम देंदी सी ना कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है उस नुकरानी नु कत्ल कर दिता जांदा सी और जिस वक्त हजरत फातिमा दी विलादत हुई हुजूर दी चौथी ते सब तों छोटी बेटी जदों इन्हां दी विलादत हुई ते जेड़ी नुकरानी गई ना खबर देने वास्ते ते थर थर पिकमदी है कि पता नहीं हुण की मेरा की हशर होवेगा ते मुहतसिन ने इकराम ने लिखा कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नालैन मुबारक एक पाया होया सी ते एक नालैन मुबारक दे उत्ते पैर रख्या होया सी पहने नहीं सी सिर्फ अपना पैर मुबारक दे उत्ते रख्या होया सी ते जिस वक्त जाके नुकरानी ने खबर दित्ती ना सोणिया अल्लाह ताला तुहानूं बेटी अता फरमाई है ते सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ओ पैर पाया नहीं बल्कि एक पाऊं नालैन पाक दा पाके मेरे सरकार ने दौड़ लगा दित्ती और घर जाके अपनी बेटी फातिमा दा मत्था चुमया फरमाया अल फातिमा तु बिदात मिन्नी मैं लोगो सुन लो ये फातिमा मोहम्मद दे जिक्र दा टुकड़ा है ए मोहम्मद दे जिक्र दा टुकड़ा है फरमाया जेड़ा एदे नाल प्यार करेगा ओ अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयो बेटी ना मेरे आका ने कितना प्यार कीता कितनी मोहब्बत कीती मेरे दोस्त कितना प्यार कीता मेरे करीम नबी जदों फजर दी नमाज पढ़दे ने फजर दी नमाज पढ़न तो बाद मेरे आका सब तो पहले अपनी बेटी फातिमा दे घर दे सामने जांदे ने ते जाके फरमांदे ने अस्सलाम
अलैकुम या अहली बैती मेरे आका फरमा तेरे ए मुहम्मद दे घर वालो अहले बैत वालो तुहाडे ते सलाम होवे तुहाडे ते सलाम होवे तुहाडे ते रब दीआं बरकतां होवन तुहाडे ते रब दीआं रहमतां होवन अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयों मेरे करीम नबी ने कितना प्यार किया अपनी बेटी नाल कितना प्यार किया मेरे आका हर रोज सब तो पहले अपनी बेटी दी जे अपनी बेटी नूं जाके वेख देने अपनी बेटी नूं जाके वेख देने ते जदों मेरे आका जांदे ने जाके बेटी दी पेशानी चुमदे ने प्यार करदे ने मेरे मुसलमान भाइयो ए बाप दी बेटी नाल प्यार मोहब्बत बाप दा बेटी नाल प्यार लेकिन बेटी दा बाप नाल प्यार कितना है हजरत फातिमा कितना प्यार करदियां ने अपने बाबा नाल कितनी मोहब्बत करदियां ने अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयों रमजान दा महीना ने रमजान दा महीना है अफतारी दा वेला है सैयदा तुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपने दोस्त तो रोटियां पकान लगियां ने चार रोटियां दे पेड़े बनाए ने पंजवी रोटी दा आटा कोई नहीं पंजवी रोटी दा आटा कोई नहीं तीन रोटियां जदों बनाईया इत्तो अजान हो गई हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी ओ कैसा मंजर होवेगा के जदों मस्जिद नबवी अंदर अजान पढ़ने वाला बिलाल होवेगा ते अजान सुनने वाला मुस्तफा होवेगा अजान सुनने वाला मुस्तफा होएगा अजान सुनने वाला मुस्तफा होएगा अल्लाह अकबर कबीरा हजरत खातून ने जन्नत ने तीन रोटियां बनाया फिर चौथी रोटी बनाई ते मेरे दोस्त एक एक रोटी एक मौला अली नु दित्ती एक जनाबे हसन नु दित्ती एक जनाबे हुसैन नु दित्ती ते चौथी रोटी जिस वक्त पकाई ना ते रोटी अद्धी कीती अद्धी रोटी चुल्ली उते बन ली अपने अंचल ते बन ली ते मौला अली देख के कहंदे ने फातिमा की गल खाना नहीं पे खांदे रोजा अफतारी दा वेला है तुसी खाना क्यों नहीं खा रहे आपने फरमाया मेरे अली सुनते नहीं हो बिलाल ने अजान पढ़ी है ते रोजा अफतारी दा वेला है ते मैनू मैं रोटी इस वास्ते अपने अंचल ते बननी आ अपने बाबा को जा रही हां पता नहीं मेरे बाबा ने खाना खाता है कि नहीं खाता खाना खाता है कि नहीं खाता इस वक्त मैं जा रही हूँ मुसलमानों सैयदा घरों चलिया घरों जिस वक्त गया ते सामने मेरे आका आ रहे मेरे आका ने अपनी लगते जगनवा दिया वेखिया मोहब्बत भरिया लबावा फैला के अपनी बेटी दा इस्तकबाल कीता अपनी फातिमा का इस्तकबाल किया इस्तकबाल करन तो बाद मेरे आका ने फातिमा नु कोल बिठाया फरमाया बेटा कितना लाए हो अपने आंचल तो हजरत फातिमा ने रोटी कटी ते रोटी कट के कहंदी ने बाबा रोटी खान लगी सा ख्याल आया पता नहीं तुसा खाना खादा कि नहीं खादा तुसा खाना खादा कि नहीं खादा इस वास्ते मैं तुहाडे जोगी लैके आ गई हां मेरे मेरे दोस्त हजरत फातिमा छोटे छोटे लुकमे छोटे छोटे लुकमे तोड़ के अपने बाबा मोहम्मद दे मुंह ते पा रही ने हैं लुकमे पा रही ने ते ए जिस वक्त हुजूर लुकमे खा रहे ने ते नाल मेरे आका दी अखां तो आंसू ने ते पुछे आपने अर्ज कीती अब्बा जी रोए क्यों हो रोन दी की वजह है फरमाया पुत्र रोया इस वास्ते हां कि मैं सोचना सा पया कि अगर आज भी तू खाना ना लेके आंदी ते मोहम्मद दी चौथी रात भुखिया गुजर जानी सी मुसलमान किस नबी की गल पे करना यो अल्लाह दा हबीब है जिन्ना नू अल्लाह ने कुल कायनात दे खजाने दा मालिक बना के भेजिया है कुल कायनात दे खजाने दा मालिक मेरे लेकिन मेरे करीम नबी ने मेरे करीम नबी ने फकर इख्तियारी लिया किदे वास्ते लिया तेरे मेरे वास्ते
ताकि सानू पता हो जो औखा वेला आ जाए तो फिर सबर करके भी गुजारा करना है, सबर करके भी गुजारा करना है। कदमों में देर अशरफियों का लगा हुआ लेकिन तीन दिन से पेट पे पत्थर बंधा हुआ, किसरा का ताज रोंदने को कदमों तले लेकिन तकिया घर में खजूर का सजा हुआ। ताई ते बोलिया बरेलवी का ताजदार के कुल जगा मलक और चौकी रोटी गिजा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम मुस्तफा मेरे मुस्तफा करीम दे गुलाम मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियां नाल बड़ा प्यार किया है, बड़ी मोहब्बत की है। तो जिस वक्त लुकमे खादे ना तो हजरत फातिमा अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह आज दा ते आटा है सी कल की खावांगे हुजूर कल की खावांगे। मेरे आका ने फरमाया फातिमा कल सबर करांगे हैं, आज तेरे मेरे घर तीन तीन वक्त दा खाना पके असि फिर भी शुक्रिया करिए हैं। भुखा कि बर्दाश्त कितिया मेरे आका ने, मेरे आका ने भुखा तेरे मेरे वास्ते बर्दाश्त कितिया और ए दुआ की या अल्लाह मेरी भुख के बदले मेरी उम्मत की भुख दूर कर, मेरी उम्मत की भुख ते प्यास दूर कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुस्तफा करीम के गुलामो मेरे करीम नबी ने बड़ा प्यार किया बेटियां नाल, बड़ी मोहब्बत की बेटियां नाल। ऐसे वास्ते जो हजरत फातिमा तज़ारा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा जो भी मेरे करीम नबी दी बारगाह ते आना ते मेरे करीम नबी ने मोहब्बत भरिया बावां फैला के इस्तकबाल करना, बड़ा प्यार करना, बड़िया मोहब्बत नाल नवाजना। मेरे दोस्तों मेरे करीम नबी ने बेटी ने बड़ी मोहब्बत की, ओ वक्त भी याद है मेरे दोस्तों तारीख इसलिए दिए जिस वक्त काफराने मक्के दी सरजमीन के अंदर मेरे आका दे जुल्मो सितम से पहाड़ ढा दिते, एतो तक के मेरे आका ने जदों सजदे ते जाना जालिमां ने मेरे दोस्तों आप ते जुल्मो सितम करने। एक दिन मेरे दोस्तों रवायत ददान अपना रवायत ददान दे के ऊंट दी जुड़ी मेरे करीम नबी सजदे ते गए ते रख दित्ती गई, हजरत फातिमा गईयां जाके ओ जुड़ी नु परा पीछे कीता, मेरे करीम नबी दी पेशानी चुमी हुजूर नाल प्यार कीता ते अर्ज कीती बाबा मेरे बाबा हालात किदो बदलेंगे। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया बेटा सबर करो वक्त आएगा, रब्बे जुल जलाल इन्ना तक इस्लाम की रोशनी लेके आएगा। मेरे दोस्त ओ वक्त दी शेबे अभी तालिब दा कि जिस वक्त तीन साल वास्ते मेरे करीम नबी नू मेरे दोस्त शेबे अभी तालिब दियां घाटियां दे अंदर बंद किया गया ते मेरे लजपाल नबी ने मेरे करीम नबी ने दरख्तां दे पत्ते खा खा के गुजारा किया। एक दिन हजरत फातिमा मेरे आका दी बारगाह ते आईयां, मेरे करीम नबी दी बारगाह ते आईयां, आके अर्ज करदियां ने बाबा बाबा हुण प्यास नाल बाबा प्यास नाल सा खुश्क हो रहे है, बाबा भुख नाल कलेजा बाहर आ रहा है, बाबा भुख लगी ये बाबा प्यास लगी ये। मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो मेरे आका अपनी बेटी दा बाजू पकड़ के अभी तालिब दी घाटी मेरे दोस्त शबे शबे भी तालिब दी घाटी दे चक्कर लगांदे ते मेरे आका ना मेरे दोस्त फिर दे जांदे दरख्तां दे पत्ते चुकदे ने अपनियां बेटियां नूं देंदे ने, आसमान दे फरिश्तियां दियां भी चीखां निकल जांदियां
आसमान दे फरिश्ते भी रोक कहंदे मौला हजरत मूसा कलीम दी उम्मत या अल्लाह उन्हां नूं भुख लगे मन सलवा उतार देना है हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम दी उम्मत खाना मंगे ते मायदा आसमानी उतर जांदा है मौला तेरा हबीबे तेरे नबी दी उम्मत तेरे हबीब दी आल सारे नबियां दी आला तो अफजल है या अल्लाह इन्ना वास्ते खाने क्यों नहीं उतारदा मौला इन्ना वास्ते खाने क्यों नहीं उतारदा रब्बे जलाल फरिश्तियां नूं कहंदा है फरिश्तियो जाके पुछ लो मेरे नबी को जिस तरह कहेगा मैं उन कर लवांगा फरिश्ते आके मेरे आका दी बार कदे अर्ज करदे ने सोणिया अगर हुक्म देवो इन्ना जालिम जालिमा नूं निस्तो नबूद कर दईए इन्हां नूं निस्तो नबूद कर दईए मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया फरिश्तियो जाओ चले जाओ मेरे रब ने मैनू कायनात वास्ते रहमत बना के भेजिया है कायनात वास्ते रहमत बना के भेजिया है मैं जहमत बन के नहीं आया हूं मैं अपनी उम्मत वास्ते रहमत बन के आया वा मैं अपनी कौम वास्ते दुआ करना वा मेरे मुसलमान भाइयों मेरे लजपाल नबी ने दुआवां कीतियां किदे वास्ते मेरे तेरे वास्ते दुआवां कीतियां कदे गारां ते रो के दुआवां कीतियां कदे सहाबा दे जुरमत ते बह के दुआवां कीतियां कदे मंगियां दवावा सिगारा दे विची कदे रोंदा रिया सोना यारा दे विचे ओ सारी जिंदगी सोना नबी मुस्तफा तेरी बख्शिश ले रब नू मनाउंदा अल्लाह सलामती अता फरमाए मेरे भाइयों को अल्लाह दीन दुनिया दी भलाइयां अता फरमाए अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयों मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया ओ जड़ा बंदा बेटी दी विलादत ते खुशी करदा है फरमाया रब्बे जुल जलाल 70 मर्तबा अपने घर बैतुल्ला दी जियारत करन दा अजर अता फरमांदा है 70 मर्तबा अपने घर दी ज़ियारत दा अजर अता फरमांदा है ओ दोस्तो रब्बे सुजलाल ने औरत नूं जनाबे आदम दी खब्बी पसली तो पैदा फरमाया खब्बी पसली तो बनिया हजरत हवा हुकमा लिखदे ने दी हिकमत की सी सज्जे पासे क्यों नहीं बनाया खबी पसली तो क्यों बनाया हुकमा कहंदे ने स्वाद खबी पसली तो बनाया खब्बे पासे दिल हुंदा है हैं खब्बे पासे दिल हुंदा है ए स्वाद ते खब्बे पासो बनाया कि औरत किसे रूप विच भी होवे ओनु दिल दे करीब रखना है ओनु दिल तो दूर है नहीं करना ए स्वाद ते हिकमत सी खब्बे पासो बनांदी कि औरत चाहे मां दे रूप विच होवे चाहे बीवी दे रूप विच होवे चाहे बेटी दे रूप विच होवे चाहे भैन दे रूप विच होवे ए दिल दे करीब रहनी चाहिए हैं ये दिल दे करीब रहनी चाहिए इस वास्ते खबे पासो बनाया इस वास्ते मेरे करीम नबी दे गुलामों मेरे लजपाल नबी ने ऐसे हुकूक अता फरमाए औरतां नूं कि आज तक किसे मजहब ने इन्ने हुकूक नहीं दिते मैं हैरान हूं नाम निहाद कलमा गो बदबخت औरतां तो कि जेड़ियां कदी इस्लामाबाद ते कदे लाहौर हुकूक निस्वां ते रेलियां कटदियां ने मैं कहना जालिमो एक बार इस्लाम दा मुताला ते करके वेखो इस्लाम पढ़ो ते सही ना तुसी इस्लाम दे नेड़े ही नहीं गए तुसा इस्लाम नु पढ़या हुंदा ते कदी बाहर निकलन दी जरूरत ना पैंदी
कदी तुहानू बार खजर खराब होंदी मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहण दी लोड़ ना पैंदी जेड़े हकूक इस्लाम ने तुहानू अता कीते ने किसे मजहब ने नहीं अता कीते कईआं मजहबां दे अंदर ते जिंदा ही दफन कर दित्ता जांदा सी और कईआं दे अंदर औरत जवान हो जाए मां भैण बेटी दी कोई पहचान नहीं जानवर दी तरह औरत दे नाल सलूक कीता जांदा सी अगर खावंद मर जाए ते जिंदा औरतां नू खावंद दे नाल जला दित्ता जांदा सी या जिंदा ही दफन कर दित्ता जांदा सी ऐसा खून रेजी दा दौर सी इस्लाम तो पहले ऐसा दरिंदगी दा दौर सी इस्लाम तो पहले है इस्लाम ने औरत नू मुकाम अता फरमाए मेरे करीब नबी ने अपने अमल ते किरदार दे नाल इन्ना हकूक नू बयान फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा है मेरे मुसलमान भाइयों मेरे करीब नबी ने इरशाद फरमाया फरमाया जेड़ी औरत पांच काम करे फरमाया नहीं गालिबन चार काम करे सरकार फरमाते ने मैं मोहम्मद नु जन्नत दी बशारत दे मैं चार काम कर लेवे मैं मोहम्मद जन्नत दी बशारत देना आपने अर्ज की यार सुल्ला केड़े केड़े फरमाया नमाज दी पाबंदी करे रमजान ते रोजे रखे अपनी आबरू दी हिफाजत रखे और अपने खामत दी ताबेदारी करे फरमाया चार काम औरत कर लेवे मैं मोहम्मद जन्नत दी बशारत आता मेरे करीब नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह भला करे उस औरत दा कि जिदे घर ओदा खावंद आवे तो ओदा चेहरा वेख के खुश हो जाए हैं ओदा चेहरा वेख के खुश हो जाए उस औरत नु मेरे नबी ने दुआ दित्ती कि जिदे घर ओदा खावंद आए तो ओदा चेहरा वेख के खुश हो जाए पता चलिया जदों खावंद ते आउंदा वेला आवे फिर औरत नु अपनी शक्ल इंज दी बनानी चाहिदी है कि ओदा खावंद वेख के खुश होवे हैं ओई ना होवे कि खावंद चला सारा दिन मेहनत मजदूरी की